हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल संगीता मेहता ब्लॉग पर। ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के टाइम से कर रही हूँ और आप देख रहे होंगे बैक में अब मैं नदी के किनारे से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और आज बड़े ही दुखी मन से मैं ये तो बताना है कि हम लोग आज नदी के किनारे आए हैं क्योंकि हमारे घर में कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बारे में मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और हम आज आए हैं नदी के किनारे पानी देने के लिए। बताते हुए भी मतलब अजीब सा हो रहा है, पर क्या करें, आप भी मेरी फैमिली हो तो आप लोगों को भी बताना मेरा फर्ज है। मैं 2-3 दिनों से मैं कुछ डाल नहीं पाई अपने यूट्यूब चैनल पे, तो मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। और आप देख रहे होंगे हम लोग नदी के किनारे पे आए हुए हैं और आप ये सामने पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पानी देने का प्रोग्राम चल रहा है। क्योंकि जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तब तक भी हम लोग कई सारे ऐसे नियमों का पालन करते हैं, और जब तक जब इंसान चले जाता है दुनिया से तो उसके बाद भी हम लोगों को बहुत सारे ऐसे नियमों का पालन करना पड़ता है जो हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित है, जो चला है। तो वही नियमों का पालन करने हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं। आज हमारे जो मैंने जो लोग मेरे पूरे ब्लॉग देखते हैं वो लोगों को तो पता होगा क्योंकि मैंने जो आज से पहले बहुत सारे ऐसे ब्लॉग डाले हुए हैं जिनमें मैंने अपनी बड़ी माँ का बहुत ज़्यादा जिक्र किया था। उन्हीं का एक ही बेटा था, उनका स्वर्गवास हो चुका है। आज उनको 6 दिन हो गए हैं और वो हमारे मेहता परिवार के भाइयों में से सबसे बड़े थे। मतलब एक जवानी में ही उनकी मौत हो गई क्योंकि उनकी एज अभी बहुत कम हुई थी, मरने की उम्र नहीं हुई थी। पर क्या करें, ऊपर वाले को जो मंजूर हो वो हो जाता है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। ब्लॉग की शुरुआत आज नदी के किनारे से कर रही हूँ। सुबह का 9 बजे का टाइम है और क्योंकि आज बारिश का मौसम भी होने वाला है और आज महालक्ष्मी की पूजा भी है, और इस बार हमारा महालक्ष्मी की पूजा दीपावली ऐसी हो गया है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे इन दिनों। पर अब इसीलिए आज नदी के किनारे आए हैं। तो शुरुआत मैंने ब्लॉग यहीं से की है, आगे आज दिन का मैं आज के ब्लॉग में दिखाऊंगी। और इसके बाद मैं दूसरा ब्लॉग कब डाल पाऊँगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज बस आप लोगों को बताना था। नदी के किनारे पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। एक बात आप लोगों को बता दूं, जो हमारे जेड से छोटे एज के हैं वही लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं। 2 छोटे छोटे बेटे हैं उनके ये। और नदी के किनारे पे हमारे हिंदू धर्म में ये प्रचलित है कि हम लोग जो एज से छोटे होते हैं वही लोग पानी देते हैं और एज से बड़े लोग पानी नहीं देते हैं। तो आज नदी के किनारे आए हुए हैं हम, और नदी के किनारे आके एक बात का एहसास मुझे हुआ इन 6 दिनों में कि ये नदी है, ये पाप मोचनी माँ सरयू नदी है जिसके किनारे पे हम लोग कई सारे पाप भी धोते हैं, पुण्य भी करते हैं। यहाँ पे शुभ और अशुभ दोनों कार्य होते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान कम जनेऊ संस्कार होता है तो नदी के किनारे पे आते हैं, और जब इंसान इस दुनिया से चले जाता है तो उसको जलाने के लिए भी नदी के किनारे लाते हैं। और जलाने के बाद जो कार्यक्रम चलता है हिंदू धर्म में, जो नियम का पालन किया जाता है वो भी नदी के किनारे पर ही पूरा किया जाता है। तो टोटल मान के माँ सरयू सबको तारती है, सबकी नैया पार लगाती है। माँ सरयू मात्र एक नदी के रूप में नहीं, एक माँ के रूप में विरासत में हमको माँ सरयू नदी मिली है, क्योंकि माँ सरयू में ही हम बागेश्वर वाले सब कुछ कर्मकांड करते हैं। जहाँ पे हम लोग पानी देते हैं ना, वहाँ नरेंद्र पैलेस के पीछे वाले नदी में हम लोग देते हैं, रामघाट वहाँ पे बोला जाता है, रामघाट पे हम लोग ये सारे कार्यक्रम करते हैं। पर समझ में एक बात ये आती है कि हम जिस नदी में कूड़ा बहाते हैं, जिस नदी को हम मैला करते हैं, जिस नदी
जो नदी के रूप में हमको वरदान स्वरूप कुदरत ने दिया है उसके समीप जाके कई सवाल पैदा हो जाते हैं। नदी से हम लोग घर आ चुके हैं और यहाँ पे हमने ना अपने जेठ जी के नाम के दिया दीपक जला रखा है और जेठ जी की एक तस्वीर भी रखी हुई है। यहाँ पे हमारा बच्चा यानी कि बॉबी कोने पे बैठा हुआ है, अभी तो घाट से आया नहीं है, अभी यहाँ पूरा कमरा खाली है, पूरा हॉल खाली पड़ा हुआ है। और क्या बताएं, बहुत दुख की घड़ी है ये। नदी से पानी दे के हम लोग घर आ चुके हैं और घर आके हमने थोड़ा बहुत करके काम भी कर लिए हैं। अब खाना बनाने के लिए नीचे जाना है। हम लोगों के यहाँ जहाँ हम रहते हैं ना, हम लोगों के यहाँ ऐसी परंपराएं हैं कि 12 दिन तक हम लोग एक साथ खाएंगे और खाना एक साथ बन रहा है नीचे। अभी जाऊंगी बनाऊंगी, क्योंकि एक ही टाइम खाते हैं जो तिलांजलि देते हैं ना, वो लोग एक ही टाइम का खाना खाते हैं और तो सब एक साथ ही खाते हैं। और क्या बताऊं, बताने के लिए कुछ बचा नहीं है मेरे पास। बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ ऊपर वाले से कि किसी के नसीब में दुख लिखना है तो इतना मत लिखते यार, कि सहन ना हो। अब तो मरने के नाम से ना दूर से ही डर लग रहा है, हाथ पैर कांपने लग जा रहे। इन तीनों हिम्मत जो मैंने देखा है वो ऐसे ही पीड़ा दे रहे। पहले मेरी माँ का अचानक जाना, उसके बाद मेरे पापा का जाना, अब मेरे जेठ जी चले गए यानी कि मेरे पति के बड़े भाई। मेरी सास और मेरी बड़ी माँ सगी बहनें हैं और मेरे ससुर लोग भी सगे भाई हैं। एक ही फैमिली में दो बहनें हैं, ये उन्हीं के बेटे थे जो हमारे मेहता परिवार के सबसे बड़े बेटे थे। इस्ती वाली एक बहुत बड़ा गिफ्ट ऊपर वाले ने हमको दिया कि हमारे जो फैमिली का चिराग था उसको हमसे छीन लिया। सबसे बड़े हमारी फैमिली के सबसे बड़े थे वो, मेहता फैमिली में एक दीपक कम कर दिया। शायद अगले साल की दीपावली में वो दीपक कभी नहीं जलेगा। आंसू रुकने का नाम भी नहीं ले रहे। मुझे अपना छोटी बहन की तरह मानते थे, जब भी उनके साथ बैठती थी बातें करती थी तो कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरे भाई नहीं है, मेरे पति के भाई है। हमेशा हमें लगता था कि हमारे सगे भाई जैसे हैं और अपनी छोटी बहन की तरह ही हम लोग को ट्रीट करते थे। लेकिन बोलते हैं ना कि अच्छे इंसान की हर जगह ज़रूरत होती है, तो उस दुनिया में भी शायद उनकी सबसे पहले उनको जाना था, इसलिए वो हमको छोड़ के चले गए हैं। काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, 8-9 महीने हो गए थे उनके इलाज चलते चलते, और आखिरकार उन्होंने अपनी सांसें रोक ली, अलविदा कह दिया। अब तो छोटे छोटे बेटे हैं उनके, एक बेटी की शादी हो चुकी थी उनकी, दो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको देख के बहुत बुरा लग रहा है कि इतनी कम समय में उनके सर से पापा का साया उठ गया है। बहुत बार कोशिश करते हैं हम लोग कि हम दूसरों को खुशी दे सकें, उनको इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ भूल चूक कर देते हैं, हमसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। पर जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी उनकी मम्मी भी जिंदा है यानी कि हमारी बड़ी माँ भी जिंदा है। उनके सर पे तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया है, क्योंकि अपनी आंखों के सामने अपने लाडली को जाते हुए देखा, जो बहुत दर्दनाक है, बहुत दर्द देता है। टाइम टाइम पे उनकी हरकतें ऐसी हो रही हैं, टाइम टाइम पे इतना रो रही हैं कि हम लोग डर जा रहे हैं उनको देख के। क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले की मर्जी के आगे हर कोई फेल हो जाता है, हम लोग भी हो गए। कुछ नहीं कर सकते हम लोग। दीपावली का टाइम है, लोग अपने घर को सजा रहे हैं, सवार रहे हैं, और हम लोगों का घर शोक से डूबा हुआ है। जिस घर का बेटा जले गया हो वो घर शोक से ऊपर कैसे पाएगा।